हरे कृष्णा गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी मैं आया हूँ दुकान पर। वैसे सुबह में गया था सब्जी मंडी, सब्जी ला कर के फिर घर जाके सीधा सो गया था। नया भी नहीं, इतनी ज़ोरदार नींद आ रही थी। फिर अभी उठ के नहा धो के प्रसाद पा के आया हूँ दुकान पर। अभी भैया गए खाना खाने के लिए। तो अभी पास में हमारे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जो है उगम सिंह और दलपत सिंह दोनों भाई मंदिर को अच्छे से पूरा क्लीन कर रहे हैं। अंदर से काफ़ी गया हनुमान जी को तेल से स्नान करवाते ना हर शनिवार और मंगलवार, तो तेल पूरा जम गया एकदम पूरे फर्श पर, तो उसको आज साफ कर रहे हैं। एक बार हमने किया था करीब 5-6 साल पहले, उसके बाद और भी इन्होंने किया था 1-2 बार, लेकिन अभी और कर रहे हैं। तो अब की बार पूरा एकदम चमका रहे हैं। पहले ऐसे था, सीमेंट था उसमें उसके अंदर, फिर उसके बाद हमने उसमें टाइलें लगवाई, फिर लेकिन फिर वो वही है तेल उसमें डालेंगे हनुमान जी को स्नान करेंगे तेल से, तो फिर वो तेल गिरेगा पूरा फर्श पर, तो वो तो लगना ही है क्योंकि तेल होता है ऐसा है ना सिकना सिकना, तो उससे पूरा जो है जम जाता, काला काला सा हो जाता, फिर उसके ऊपर चलते हैं होता नहीं। इसका एक सिस्टम करेंगे कि एक पास में एक कुंडी रखेंगे या फिर ऐसे करेंगे कुछ, ताकि तेल अलग से इकट्ठा, वैसे कुंडी बनाई हुई है पास में जिसमें तेल इकट्ठा हो, लेकिन कुछ बच्चों को देकर के भेज देते हैं खिलाने के लिए, तो बच्चे ऐसे वैसे गिरा के चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हनुमान जी को स्नान करवाए वो तेल पैरों में नहीं आना चाहिए, तो उस हिसाब से कुछ कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं कितना मंदिर साफ हुआ है, चलिए चलते हैं और देख करके आते हैं कि कितना क्लीन हुआ है। और सफेदी तो कल ही कर ली थी पूरी बाहर से, तो अभी अंदर से जो है एक बार क्लीन करके फिर कलर वगैरह करके, और फिर हम आपको बताएंगे पूरा कि कैसा दिख रहा है फिर हनुमान जी का मंदिर। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कितना साफ हो गया। हरे कृष्णा बाप जी, कितना साफ हो गया मंदिर। सारा नहीं गणा आज हनुमान जी समका ढुका जोरदार। अटिन जो कार्यक्रम भक्तों ओ हनुमान जी रे भक्तों भक्त बहुत मंद मंद मुस्कुरा रिया है, लेकिन बहुत शर्म भरे रिया है। अपुटा लट्टू आज मतलब लगाए नहीं लगा दिया खटका हैंग धूम धूम साफ कर लगा दिया। आज मंदिर जो है पूरा चमक रहा है अच्छे से। तो अभी गाइस मैं बैठा हूँ दुकान पर और देखिए बाहर जो पूरा एकदम चन्नाटा साया हुआ है, पूरा गांव खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं, गांव सब छोड़ के चले गए, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं स्कूल, और बाकी जो बड़े हैं वो गए हुए हैं खेत में रायड़ा काटने के लिए। कह लेना दूध देना, दूध देना, चीज देनी, चीज दे रहा है तेरी मम्मी, हैं? दूध निकाई करी, हैं? दूध निकाई करी, दूध दे क्या करो? किन्ने बनाई? मम्मी बनाई तूने भी? वेरी गुड। तो अभी गाइस होली के गैरी आ रहे हैं, मैन गैर, ये देखो ये पूरे साल बाहर रहते हैं लेकिन होली आते ही घर पर आ जाते हैं, क्योंकि होली इनका फेवरेट फेस्टिवल है। तो अभी आज तक हमारे गांव में अभी तक संग बाहर नहीं आए, लेकिन आज आएगा बाहर, क्योंकि होली के जो मैन गैर वो आ चुके हैं और 3 जने लेने गए, देखो इनको सामने। अरे कृष्णा क्या क्या माल लेके आए भाई, खिलाओ पहले हमको। होली रह गैर आया मोनी की कवाड़ो कह लेना आया अंगूर देने को भूल गया, अंगूर नहीं फ्रूट में खाली अंगूर है। और बोलो बस ये सब्जी ले ली थी तो ली एल मैं गया देखो मुझे। तो अभी क्या सभी स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो गाइस आज भौजी की एक बकरी भी आई, देखो
बकरी ने दो बच्चे दिए छोटे 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 बच्चे देखो। अरे क्या हो गया और किसने आका गिदा आपको है? किसने आका गिदा भौजी ने आका गिदा। तो अभी गाइस बज रहे शाम के 6 और अभी मैं दुकान से फ्री हो गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर। हमारा भी गाइस शाम के 7 बज गया और अभी तक सेवा चालू है देखिए। और उगम सिंह जी बहुत ही प्रेम से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की। आज हनुमान जी, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी सब खुश हैं इनके ऊपर। और मंदिर देखिए कितना समग्र है, मुंह दिख रहा है एकदम है। वाह, कल जो है गेट के कलर करना है हमें रात रो। अरे वाह, दलसा बोल रहे हैं रात को कलर होगा यहाँ पे गेट के लिए, तो कल सुबह तक तो गेट वगैरह सब चमकने लग जाएगा। इसके ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि जिन्होंने पैसे दिए थे इस मंदिर को बनाने के लिए, तो उनके नाम वगैरह है, सो सुबह बताएंगे हम आपको नाम, अभी तो दिख नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी को अच्छे से स्नान करवा लिया, एक साल में एक बार कर लेते हैं भक्तगण मिल करके। और मेन जो आगे है वो उगम सिंह जी है सेवा करने वाले। दूर से हम आपको बताएं कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, कल कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा देखिए। वाह, और कल इससे भी शानदार दिखेगा यार, ये देख छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। हमारी फॉर्च्यूनर तैयार है घर जाने के लिए, पानी का कैंपर भर के लेके आते हैं। और अभी सेठ जी आ चुके हैं दुकान पर, तो मेरी छुट्टी हो गई। काबरी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये क्या है, ये भाई एलियन आ गया देखो। दुकान पर एक एलियन आ चुका है। ये नहीं लागे रे भाई, देखिए बच्चे खेल रहे हैं सब यहाँ पर। हरे कृष्णा, होली आ रही है तभी रात में सभी बच्चे बाहर खेलेंगे। मैं पहुंच चुका हूँ घर पर और कुछ सामान लेके आया मैं दाता को देखे होगा, दाता दे दो। ओ हो क्या मैं निकला था दुकान से घर के लिए 7 और अभी बज रहे 8, एक घंटा लग गया भाई घर पहुँचने में, क्योंकि पहले दवा गया कुछ सामान लेके आया। तो अभी बात है प्रसाद, और कल एकादशी है तो कल उपवास रहेगा, सो कल उपवास के लिए क्योंकि बच्चों का भी उपवास रहेगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो 5 से ऊपर वाले बच्चे उनके लिए उपवास रखना ज़रूरी है, तो कल उनको भूख लगेगी। सो उनके लिए राजगिरा का आटा वगैरह मैं लेके आया, तो उससे सब्जी और पूड़ी बनाएंगे। तो अभी बात है प्रसाद, तो आज हमारे घर में बनी है कैरी की सब्जी और रोटी। तो अभी गाइस खाना पीना सब हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 9:15। तो अभी पहले ललित माधव को देते हैं दवाई और कुकु सिंह को भी दवाई देनी है। दवाई कहाँ आपकी है, ये फोन में दवाई थोड़ी ना है। आपकी दवाई कहाँ, आपकी दवाई कहाँ, हाँ ला दी। ढक्कन तोड़ लेना, दौड़ जान भागना, कीड़े धोखियो करे तो मस्ती। ढक्कन तोड़ लेना ही जाए,
हम लोग तो दो लेज में हाथ फेरने क्योंकि आपकी दही बहुत कम रह गई है। तो अभी आ चुकी है विजय सिंह की दही, ये आपकी लास्ट है, ये देखो करो आ ऐसे होती है मिठी है मिठी है मिठी है ये आरी ना पहले ललित मादव को देते लास्ट दवाई, ये दवाई है सोते समय देने वाली, तो थोड़ी थोड़ी ये दे देते हैं दोनों को। क्या करें यार, बीमारी ठीक ही नहीं होती, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी क्या रखती है, कष्ट भरा जीवन है भैया। ये ललित करो आ वाड़ी हेलिकॉप्टर आ जाएगा जाए हम सोचा अभी भागने की जरूरत नहीं है, बस गुड नाइट बोलो, गुड नाइट छोटे मन्ना तो अभी छो रहे हैं यहाँ पर, इनको कोई बतला ही नहीं रहा है। अभी बज चुके हैं रात के 9, सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।